रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सुहाग रात के बाद पत्नी सुबह जल्दी उठ गई। पढ़ें मजेदार जोक्स में। विद्या शर्मा, आपको हमारे अकाउंट को फॉलो करने के लिए आग्रह करती हूं, जिससे मैं आपको मनोरंजक के हास्यप्रद तस्वीरें पहुंचा सकूं। सुहाग रात के बाद पत्नी सुबह जल्दी उठ गई। पत्नी सुबह सुबह बिस्तर से सीधे उठकर मेकअप कर रही थी, तभी पति की भी आँख खुल गई। पति पगला गई हो क्या, सुबह सुबह मेकअप? पत्नी चुपचाप लेटे रहो, मुझे अपना फोन खोलना है। उसमें चेहरा पहचान कर खुलने वाला लॉक लगा दिया था और अब यह मुझे पहचान नहीं रहा है। पप्पू, आधा किलो जलेबी खा के बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई पैसे? पप्पू, नहीं है। दुकानदार ने उसे कूट दिया। वो उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला, भैया इसी भाव में एक किलो और तौल दो। डॉक्टर, तुम्हारा कान कैसे जला? पप्पू, मैं कमीज प्रेस कर रहा था कि फोन आ गया। मैंने जल्दी में फोन की जगह प्रेस को कान पर लगा लिया। डॉक्टर, तो दूसरा कान कैसे जला? पप्पू, अब एम्बुलेंस को भी फोन करना था ना। एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था, स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में से गुजर गया। करीब कुछ लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने तालियां बजा के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, विश करने से काम नहीं चलेगा, केक तो खाना ही पड़ेगा जेठालाल। अगर मेरी शादी मेरी मर्जी से होती, वाह वाह, अगर मेरी शादी मेरी मर्जी से होती तो टपुना तेरी मम्मी दया नहीं बबीता होती। हर शाम सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कहानी नहीं होती। कुछ तो असर जरूर होगा मोहब्बत में, वरना गोरी बबीता काले अय्यर की दीवानी नहीं होती। एक जाम के टाइम पे नींद अच्छी आती है, वाह वाह, एक जाम के टाइम पे नींद अच्छी आती है। जेठालाल के दुकान जाने के टाइम पर ही बबीता नीचे क्यों आती हैं?